हेलो दोस्तों, आइए आज हमने मिस्त्री भाइयों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और इस नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनाई जो 4 इंची लगती है उसमें कौन कौन से काम बहुत ज़रूरी होते हैं और कौन से काम आपको, अगर आप मिस्त्री हैं तो आपको करने चाहिए। वैसे कि आप जब मिस्त्री हो तो आपको ही कर लेने चाहिए, ये किसी का काम नहीं है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि सबसे पहला आपका काम होगा कि अगर कालम है आपके पास तो उसमें इस तरीके से आप टक मार लेंगे। ऐसे देखिए, ये आपका पहला काम हो गया कि आपको टक मार लेने हैं ज़रूर। आप किसी भी प्रकार से चुनाई लगा रहे हैं, अगर कालम है तो आपको टक ज़रूर मार लेने हैं इस तरीके से। ये आपका पहला काम हो गया और उस काम में आपको टक लगा लेने हैं ऐसे कि आप जब चुनाई लगाएं तो उस पर टक लगा लेने। और दूसरा काम आपका हो जाएगा, देखिए दूसरा काम है कि आप जब चुनाई लगाएंगे तो आपका मसाला तो सही होना ही चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है जो 4 इंची चुनाई हो, 4 इंची हो या 9 इंची हो या 14 इंची हो, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको ये जो जोन होते हैं इनको काटने के लिए आपके पास अगर चाल फंस रही है या कुछ भी है, जैसे यहाँ पे आधा नहीं लगा हुआ, खंडा लगा हुआ छोटा सा, तो आप किस तरीके से इसकी चाल बनाएंगे। अगर देखिए आप ईंटा रखते हैं इस तरीके से तो आपकी चाल आधे से नहीं कटेगी, यहाँ से कटनी चाहिए ऐसे। तो आप इसको देखिए, इसको आप ईंट को तोड़ लेंगे, इसको पौना कर लेंगे आधे से ज़्यादा, तब आप उसकी चाल बनाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से ऐसे आधे से कटनी चाहिए। देखिए दूसरी बात आपकी, ये आपको चुनाई लगाते समय ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपकी जो ईंटा है वो आधे से कटती चले। ये छोर में ही आप जब शुरुआत करेंगे तब चुनाई के छोर में ही आपको सही कर लेना है। ये आपको छोर में ही सही कर लेना है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ऐसे जब आप चुनाई लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा आधे से कटना चाहिए, ये चुनाई की शुरुआत होती है इस तरीके से। ऐसे आप शुरुआत करेंगे। ये आपकी दूसरी बात हो गई चुनाई लगाते समय कि आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए इसमें भी ज़्यादा साँक नहीं होनी चाहिए, यहाँ जो जैन भरी जाती है उसमें ज़्यादा जैन नहीं छोड़नी है आपको, उतनी ही जैन छोड़नी है जितना आराम से मसाला चला जाए, ना ज़्यादा ज़्यादा कि आपका 1 इंच हो जाए और ना ज़्यादा कम कि आधा इंच से भी कम नहीं रखना है। इस तरीके से आपको चुनाई लगानी है। और आप साउंड करने के बाद में जैसे हमारे साउंड कॉलम में निशान लगा हुआ है, इस तरीके से आप छोटा से इसे ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे आपको मिला लेना है। इस तरीके से मिलाएंगे आप, ये सूता बन जाएगा तो आपको इस सूते को टाइट रखना है जितना टाइट हो सके। और सदैव चुनाई जो है, आप चुनाई सदैव बराबर मसाला बिछाएंगे, जितना आपने बांध दिया है उतना ही मोटा आगे चलेगा। देखिए इस तरीके से जितना मोटा आपने बांध दिया है मसाला इतना ही मोटा आपको बराबर बिछाना है। अब आप चुनाई लगाते समय में देखिए, अगर आप चाल बना चुके हैं आधे से तो आप जो ईंट रखेंगे वो आधे से कटेगी। अब आपको सिर्फ सूता देखना है, देखिए इस तरीके से ईंट को सूता देखना है कि सूते के बराबर ही ईंट चलती रहे। इस तरीके से ठेक लगाएं ऐसे, और जब ईंटा रखें तो आपकी ईंटा जो है सूत के बराबर चलेगी। इस तरीके से जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से सूत में बराबर चले। इस तरीके से आपको चुनाई की शुरुआत करने के बाद में अब आप तरीके से सूता ही देखेंगे कि सूते में ईंटा चलनी चाहिए। तरीके से सूते में ही ऊँचा चले आपकी बराबर। इस तरीके से आपकी सूते में ऊँचा चलेगी। अब इस तरीके से आप सूते में ही चलेंगे ऐसे, जहाँ पर आपकी चुनाई है, जो चुनाई है, क्योंकि आप चाल बना चुके हैं तो आपकी आधे से ही कटती चलेगी बराबर। अगर आप सूते में जैसे पतली मोटी पतली ईंटा हो जाए तो तब आपको मसाला दोबारा रखना पड़ेगा। वैसे तो एक ही साइज में मसाला जितना बिछा दोगे उतना ही चलेगा, उतना ही चलेगा मसाला, जितना बिछा दोगे उतना ही चलेगा मसाला। ऐसे आधा इंच बिछा दिया है तो आधा इंच चलेगा।
तरीके से चुनाई आप लगाएंगे। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।